वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्ट वन में आपने देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ बेसिक कमांड का हमने यूज करना सीखा था। अब जो है पार्ट टू में हम इसके कुछ आगे के कमांड्स और सीखेंगे। तो पहला मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आज ये है कि किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी MP3 फॉर्मेट्स में फ़ाइल दिख रही है। आज उन्हीं में से किसी एक फोल्डर को मैं ओपन करके उसके अंदर के कंटेंट जो कि MP3 फॉर्मेट में है वो साउंड में कमांड प्रॉम्प्ट से प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं MP3 फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा CD और उसके आगे आप देख सकते हैं ये सारी फाइल्स है और एक YOUT यानी कि एक और फोल्डर है इसके अंदर। तो मैं उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो ये देखिए मैं इस फोल्डर के अंदर अब आ गया। अभी इसके अंदर ये फाइल है, इनमें से मुझे किसी एक फाइल को प्ले करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि उस फाइल का पर्टिकुलर फाइल का नाम मुझे लिखना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था हमें पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ए दबा के अगर मैं टैब दबाता हूँ तो ये फर्स्ट जो फाइल है एकॉस्टिक वो बज स्टार्ट। नेक्स्ट जो कमांड है वो है डायरेक्टरी कमांड। तो डायरेक्टरी कमांड से क्या होता है कि किसी भी फोल्डर के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं आप उसको देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले एक डायरेक्टरी पीछे चला जाता हूँ। तो CD... यहाँ पे मैंने कमांड लगाया और उसको एंटर किया। अब मैं देखिए DIR लिखता हूँ। तो MP3 वाले डायरेक्टरी के अंदर DIR लिखने पर MP3 फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स थी और फोल्डर्स थे उसकी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आ गई है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 26 फाइल्स और 3 डायरेक्टरी। अभी मैं आपको बताता हूँ इस वाले फोल्डर के अंदर YouTube वाले में, तो CD और YOUT लिखता हूँ तो ये मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी, YOUT के अंदर मैं चला गया। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे DIR लगाया तो ये देखिए सारी फाइल्स के नाम और उनकी साइज और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। तो इस तरह आप DIR का यूज करके डायरेक्टरी जो दी होती है उसका पूरे कंटेंट्स को आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज़ में आप फाइल्स को देखते हैं। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी डायरेक्टरी के आपके कंटेंट देखना हो तो उस डायरेक्टरी में आपको पहले जाना पड़ेगा उसके बाद में DIR लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। तो जैसे देखिए मैं आप भी एनी वीडियो कन्वर्टर जो है फोल्डर उस फोल्डर में जाता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं पहुँचने के बाद अभी मैं जो है ये YOUT जो फोल्डर है उसके कंटेंट मैं कैसे देख सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जो है कमांड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले DIR लिख देंगे, उसके बाद में जो इसके आगे की डायरेक्टरी है जैसे कि MP3 डायरेक्टरी, तो MP3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये backslash और उसके बाद में मुझे YOUT और इसके बाद में मुझे एंटर मारना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारी फाइल्स जितनी भी थी इस YOUT फोल्डर के अंदर वो सारी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि आपको किसी डायरेक्टरी में जाके उसके कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टरी में कहीं पर भी हो बस आपको इस फॉर्मेट में कमांड लिखना है और उस कंटेंट जितने भी है उस डायरेक्टरी के आप देख सकते हैं इस तरीके से भी।